MBA in Operations Management. In this video, we will discuss about course, what about the fees, placement, top recruiting companies, and top job positions for freshers. Press the bell icon, never miss an update from Student Khabri. Hello guys and welcome back. I'm Avinash and you're watching Student Khabri. Well, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MBA in Operations Management. सबसे पहला क्वेश्चन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता क्या है? सिंपल सी चीज़ है, किसी भी कंपनी में कभी भी जो भी चीज़ ऑपरेट होती है उसे मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क होता है. आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने में जो ऑपरेशंस लगते हैं उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं. अब रीज़न क्या है हमें इस कोर्स को परस्यू करने का? रीज़न उसका सिंपल सा ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं, टूल्स टेक्निक जो हमें अपनानी पड़ती हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है जो हमारे पास नहीं है वो हमें सीखना पड़ता है और वो हमें यहाँ पे सीखने मिलता है. एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके दिमाग में, मैं तो इंटरनेट पे पढ़ के भी सीख सकता हूँ, व्हाई डू आई नीड टू परस्यू दिस कोर्स? वेल अगेन आई एग्री, आप इस कोर्स को इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आपको बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज कहीं भी काम में नहीं आता. ओके, अब अगर मैं इस कोर्स के छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है. यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो होती है आपकी ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, लाइक कैट, जैट, मैट. अगेन ये वेरी करता है फ्रॉम कॉलेजेस टू कॉलेजेस. आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, परसेंटाइल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है किसी कॉलेजेस में थ्रू कट ऑफ. उसके बाद आपका जीडी राउंड होता है. जीडी राउंड में आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो अब जाके आप आते हैं पीआई राउंड में. पीआई राउंड में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आप एलिजिबल होते हैं उस कॉलेज में एडमिशन के लिए. अगेन ये ब्लूप्रिंट है, ये हर कॉलेज के लिए फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कॉलेज है तो प्लीज़ आप आई बटन पर क्लिक करके हमसे उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप. ओके, फाइनली अगर मैं कोर्स फीस की बात करूँ तो ये वेरी करती है फ्रॉम कॉलेजेस टू कॉलेज. इट वेरीज लाइक 4 लाख रुपीज़ टू 17 लाख रुपीज़. ओके, अब हम करियर परस्पेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं. आपने 2 साल पढ़ाई करी इस कोर्स की, अब क्या? वेल, सबसे पहले अगर आपकी एवरेज सैलरी की मैं बात करूँ तो वो रेंज करती है फ्रॉम 3 लाख रुपीज़ टू 12 लाख रुपीज़. उसके बाद अगर मैं बात करूँ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की तो उनमें आते हैं नाम लाइक अर्नेस्ट एंड यंग, जेपी मॉर्गन चेज, अमेजॉन, एक्सेंचर, केपीएमजी. और अगर मैं बात करूँ टॉप पोजिशन जो आपको मिलती हैं वो होती हैं प्लांट मैनेजर, एरिया ऑपरेशन मैनेजर, जनरल ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर लाइक दैट. सो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए. जस्ट इन केस आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अभी भी नहीं मिला हो तो मैं चाहूँगा कि आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें. यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का आइकॉन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली हम पे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. आपको आई बटन भी दिख रहा होगा, उसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इंस्टेंटेनियसली चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, सेम नंबर फॉर व्हाट्सएप. सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.